पंजाब पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए रखी गई परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद मोगा की पुलिस लाइन के बाहर 100 से 150 नौजवान लड़के लड़कियों ने धरना दिया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने ये धरना खत्म कर दिया। इस दौरान लड़के लड़कियों का आरोप था कि इस परीक्षा में जो नौजवान लड़के लड़कियों के उनसे कम नंबर आए हैं उनको क्वालिफाई कर दिया गया है, जबकि उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। इसलिए मैं मांग करते हैं कि ये पेपर पंजाब सरकार रद्द करे या ओपन ट्रायल लिया जाए, अन्यथा उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। ये सारे वो नौजवान रोस प्रदर्शन कर रहे हैं जेड़े कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट च भर्ती होना चाहते हैं। ये पिछले लंबे समय तो मेहनत करते रहे कांस्टेबल भर्ती होने वास्ते। अज जो भर्ती का टाइम आया तो इन्होंने आके देखा कि लिस्टा के बंद नाम दर्ज आ ना जिन्हें मैरिट लिखी हुई है ना नाम लिखे हुए आ। ये जड़े मैरिट भी हाई वाले आ किसी की 65-70 के करीब आ, तो ट्रायल वाले भी आ। इन्हों भर्ती करने के बजाय जोड़े अयोग आ जा जोड़े घट्टो घट थोड़े अयोग योग हो भर्ती कर लिया गया। इन्हों की यह मंग आ कि बिना पेपर तो ओपन ट्रायल के राही कांस्टेबल भर्ती जी की जाए, तो जी पारदर्शी तरीके भर्ती होवे। वितकरा जोड़ा इन्ह नौजवानों किया गया वो वितकरा जोड़ा बंद होना चाहिए। अज ना जी कोई तकरीबन 100-150 बच्चा मोगा जी टी रोड जी है अपने लुधियाना मोगा जी टी रोड वो इन्होंने सड़क रोकी हुई है और इन्हों की प्रोटेस्ट इन्हों का ही है। इन्होंने एक ब्रीफ मैं मंग पत्र भी दिता है। इन्हों का प्रोटेस्ट ये है कि जोड़े रिजल्ट जोड़े शॉर्टलिस्टेड कैंडीडेट्स के डिस्प्ले किए गए हैं या पब्लिक किए गए हैं डॉक्यूमेंट, वो बच्चों के जिहड़े कैंडीडेट्स के स्कोर नहीं दसे हुए पास और फेल कैंडीडेट्स के, उसकी डिटेल एक तो ही मंगते हैं। इन द मीन टाइम यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोसैस में पॉज कर दिता जाए ताकि किसी जिहड़ा योग उम्मीदवार के हकों की पूर्ति ना होवे।